राधे राधे मित्रों, 15 जून 2024 शनिवार के दिन होने जा रहा है सूर्य देव का गोचर। जी हाँ मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य देव का 15 जून शनिवार के दिन गोचर होने जा रहा है और इस गोचर के चलते 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत भी सूर्य के बाती चमकने वाली है, मालामाल होने जा रही है। ग्रहों के राजा और ग्रहों के अधिपति सूर्य देव के गोचर से 5 ऐसी राशियां हैं जिनका अचानक से भाग्य बदलेगा, मालामाल धनवान होने जा रही है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम एक एक करके कि कौन सी है वो 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां जो सूर्य के गोचर के बाद से अचानक से मालामाल धनवान होने जा रही है। आपको बता दें मित्रों कि 15 जनवरी 2024 शनिवार के दिन सूर्य का गोचर होने जा रहा है। सूर्य का गोचर हर माह और 30 दिन के अंतराल के बाद होता है। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। 15 जून को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव 5 राशियों पर नजर आएगा। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2024 को होगा और सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में शनिवार को रात 12:37 पर प्रवेश करेंगे। इस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो मिथुन संक्रांति भी कह सकते हैं। मिथुन राशि में सूर्य 15 जुलाई 2024 तक विराजमान रहेंगे। सूर्य के महागोचर का असर कई राशियों पर शानदार पड़ेगा और इनका भाग्य उदय होगा। जानते हैं तो कौन कौन सी है वो लकी राशियां जिनका सूर्य गोचर का शुभ परिणाम फल मिलने वाला है। तो मित्रों, सूर्य के इस महागोचर के बाद से सबसे भाग्यशाली और लकी जो राशि बनने वाली है वो आएगी मित्रों मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर चे चा ची चू ले ला ली लू ए आ से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, सूर्य का मिथुन राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए लकी रहेगा। इस दौरान आपकी यात्राओं के योग बनेंगे, आपका एनर्जी लेवल शानदार रहेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके काम आएंगे, आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी, भाई बहनों के साथ अच्छे समय व्यतीत करेंगे, घर परिवार में चल रही समस्याएं खत्म होगी, पति पत्नी में जो अनबन चल रही थी वो भी दूर होगी और एक दूसरे पे फिर से विश्वास और प्रेम जता पाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं का योग बनता रहेगा और इससे आपको तनाव मुक्त भी रहेंगे। कार्यस्थल पर आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। व्यवसाय व्यापार में आपको तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी सूर्य के महागोचर के बाद से ही। सूर्य का यह महागोचर आपकी किस्मत को भी सूर्य के भांति चमकाने जा रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही लकी साबित होने वाला है। इस सूर्य के गोचर के बाद से ही मिथुन राशि वालों का जॉब के क्षेत्र में शानदार परिणाम नजर आएंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सफलता हाथ लगेगी। लंबे समय से बिजनेस में आ रही बाधाएं दूर होगी। जीवन साथी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार वालों का आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। दोस्तों, सूर्य के गोचर के बाद से मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर बनने जा रहा है। आपको उपाय बताया गया है कि किसी भी रविवार के दिन कोई भी धार्मिक स्थान या मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करिएगा। इससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप पर धन की वर्षा होती रहेगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता रहेगा। कमेंट में एक बार जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा ताकि माता लक्ष्मी का जो निवास है वो आपके घर में सके और आपके घर में भी तरक्की उन्नति और धन की बारिश हो सके। चलिए मित्रों, बात करते हैं सूर्य के इस महागोचर के बाद से अगली जो भाग्यशाली राशि आएगी उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो जीवन है उनका गरीबी और संघर्ष में ही बीत जाता है। मित्रों, ये सब ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली। जी हाँ मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप के जरिए गुरुजी से संपर्क करके मात्र 251 रुपए की फीस में, जी हाँ मित्रों, 251 रुपए की फीस अनिवार्य है, फ्री में नहीं है कुंडली देखना। कुंडली और राशि के बारे में जानने के लिए 251 रुपए की फीस आप ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा जमा करा के गुरुजी को और घर बैठे अपने जीवन के बारे में सभी समस्याओं का समाधान जान पाएंगे। आपकी कुंडली में कौन सा दोष चल रहा है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, मांगलिक दोष है या कोई साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा मजबूत करना है, कैसे आपकी
की भाग्य की उन्नति होगी, कैसे तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी, इन सभी समस्याओं का समाधान आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने जा रहा है। मित्रों, आप भी बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें जिससे आपको फायदा और लाभ मिले, या बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, कस्टमर नहीं आ रहे दुकान पर, ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, तरक्की उन्नति नहीं हो रही है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना आप मेहनत कर रहे हैं, और नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर आ रहे हैं लेकिन कंपनी वाले की रिप्लाई नहीं आ रहे हैं कि भाई हाँ या ना करें, या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हर बार एक दो नंबर से रह जाते हैं, कोई ना कोई समस्या आपके साथ बनी हुई है। अगर घर परिवार वालों का बच्चे कहना नहीं मान रहे, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन भटका हुआ है, स्वास्थ्य में घर परिवार में किसी ना किसी का स्वास्थ्य में खराबी रहती है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, कभी पत्नी परेशान है कभी पति परेशान है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्याएं हो, प्रेमी प्रेमिकाओं में अनबन चल रही है, प्रेम संबंध में सुधार नहीं आ पा रहा है, घर परिवार में हमेशा अनबन बनी रहती है, क्रय क्लेश बना रहता है, कोई ना कोई समस्याएं आपकी अचानक से आन पड़ती है, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, अभी जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप संपर्क करके गुरुजी के द्वारा अपनी कंप्लीट समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। चलिए मित्रों, सूर्य के इस महागोचर के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मित्रों सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर मै मा मी मू टे टा टी टू से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वालों के लिए मिथुन राशि में सूर्य का गोचर लाभदायक साबित होगा। इस दौरान आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लव रिलेशनशिप में बदलाव आएगा और आप तरक्की करेंगे। लव रिलेशनशिप में अभी तक जो आपका अनबन चल रहा था उस पे आपको फिर से प्रेम और विश्वास देखने को मिलेगा, या आपकी जिंदगी में कोई और आने का योग बन रहा है। जी हाँ, कोई और फ्रेंड सर्कल में कोई किसी नए दोस्त का आने का योग बन रहा है आपकी कुंडली में। कार्य में तरक्की उन्नति मिलेगी, बिजनेस दुकान पर ग्राहकों की आवक जावक बढ़ेगी जिससे आपको आर्थिक रूप से लाभ बढ़ेगा। यात्राओं का योग बन रहा है, कार्य के सिलसिले में बाहर जाने का योग भी बन सकता है। पति पत्नी में अगर अनबन है तो उनमें प्रेम और विश्वास वापस देखने को मिलेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, दोनों की नजदीकियां बढ़ेगी। घर परिवार वालों का माहौल खुशनुमा रहेगा, परिवार वालों के साथ काफी समय के बाद आप टाइम निकाल कर अच्छा समय बिता पाएंगे। संतान का सुख प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। हर तरीके से आपको सूर्य के इस महागोचर के बाद से ही आपकी भाग्य में उन्नति होने जा रही है, तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी। आपको उपाय बताया गया है मित्रों कि सिंह राशि के जो भी जातक है रविवार के दिन गरीबों में फल फ्रूट का दान जरूर करिएगा, इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे और सूर्य की बाती आपकी किस्मत चमकने वाली है। चलिए मित्रों, बात करते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी सूर्य के इस महागोचर के बाद से, वो आती है मित्रों धनु राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर ये या यी यू बे बा बी बू से शुरू होता है उनकी धनु राशि बनती है। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर के लिए शानदार रहेगा। आपको करियर और जॉब के क्षेत्र में शानदार परिणाम नजर आएंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सफलता हाथ लगेगी। लंबे समय से बिजनेस में आ रही बाधाएं दूर होगी। जीवन साथी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। इस दौरान आपकी यात्राओं के योग बनेंगे, आपका एनर्जी लेवल शानदार रहेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके काम आएगी, आर्थिक रूप से आपका पक्ष मजबूत देखने को मिलेगा, पैसों की आवक जावक बनी रहेगी, या कहीं से लंबे समय से जो पैसा फंसा हुआ था वो भी आपका आने का योग बनेगा सूर्य के इस गोचर के बाद से ही। 15 जून को हो रहे सूर्य का महागोचर धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार समय लेकर आ रहा है, लकी साबित होने जा रहा है। चलिए मित्रों, बात करते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी सूर्य के महागोचर के बाद से, वो आती है मित्रों मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर जे जा जी जू जे दे से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है।
मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर सकारात्मक साबित होगा। इस दौरान आपको आर्थिक लाभ होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। जॉब के लिए आपको कंपनियों से बड़े बड़े ऑफर आ सकते हैं। खुद का बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा वापस आने का योग मिलेगा। घर परिवार वालों में खुशनुमा माहौल रहेगा। पति पत्नी में अब तक जो अनबन चल रही थी वो अच्छा होगा। रिलेशनशिप में मिठास आएगी। एक दूसरे पे फिर से आप प्रेम और विश्वास जताने में कामयाब रहेंगे। दोनों की नजदीकियां बढ़ेगी। नए नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। साल भर के अंदर ही अगर मकर राशि के जातकों का विवाह हुआ है तो घर में नए मेहमान के आने का भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। घर में मांगलिक प्रोग्राम का योग बन रहा है, कोई ना कोई मांगलिक प्रोग्राम भी हो सकता है। तो चलिए मित्रों, सूर्य के इस महागोचर के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और ताजा और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जय सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा और हाजिर होंगे हम एक और ताजा और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे मित्र।